नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारी बरसात के चलते कोटा कैनोट आना गांव की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। वही पुलिया के मरम्मत करवाने की मांग को लेकर लाडपुरा विधायक कल्पना देवी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। कल्पना देवी ने बताया कि पिछले वर्ष भी इस इलाके में बाढ़ आई थी, तभी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं विधायक ने मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर वैकल्पिक सड़क बनाने की मांग की है। आज हम नोटाना की पुलिया के पास खड़े हैं। ये किशनपुरा मंडिया पंचायत में आता है। इस गांव में हर बारिश के टाइम ये समस्या आती है कि ये गांव टापू बन जाता है। पिछले साल भारी बारिश के कारण ये पुलिया टूट गई थी। तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रस्ताव हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी हमने भेजा है कि एक ऐसा पुलिया बनाया जाए ताकि इस गांव को हर साल की परेशानी से नहीं झेलना पड़े। परंतु आज तक यहां प्रशासन की ओर से एक रुपया भी नहीं डाला गया है और आज ये नौबत आ गई कि इस गांव का पूरा संपर्क जिले से टूट गया है। तो अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो या दूध लेने जाना हो, कोई भी काम हो, आज जैसे रीट की परीक्षा है उसमें भी अगर बच्चों को जाना हो तो इनके लिए एक ऐसी समस्या आ गई है कि ये नहीं जा सकते। अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एएन साहब आए हैं, हमने ये मांग करी है कि टेम्परेरी इस रास्ते का कुछ करा जाए ताकि आने जाने में इन लोगों को जिले में कोई भी समस्या हो, हॉस्पिटल हो, दूध हो, सब्जी हो, लेने के लिए एक टेम्परेरी रिलीफ इनको दिया जाए। वो कह रहे हैं कि वो पाइप मंगा रहे हैं, उसके लिए हम रुके हैं और एक वैकल्पिक सड़क की भी मांग हमने करी है कि जब तक ये पुलिया का निर्माण नहीं हो जाता कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में ट्रैक्टर पलटने से दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक मजदूर घायल हो गया जिसे इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। जब सुबह ट्रैक्टर में बैठकर तीनों धान की रोपाई करने खेत में जा रहे थे उसी दौरान हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के मोगिया बेह गांव में नवजात बच्चे को तालाब में फेंकने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर कामखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे को तालाब से निकालकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं रामचंद्र लोधा ने अपनी पुत्र वधु रेखा बाई पर नवजात को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जाँच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। ये आज सुबह जो है तत्कालीन थाना अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी निरीक्षक खाने को सूचना मिली थी। गाँव मौजा में से रामचंद्र लोधा की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी बहू रेखा भाई पत्नी कारोलाल लोधा जिसकी दिनांक 20/7/2022 को थाना अस्पताल पर जो है डिलीवरी हुई थी, इसके बच्चा हुआ था जिसको कल 22/7 को जो है छुट्टी करने पर इसके ससुर ये लेकर के उनके घर पर आ गए थे। रात्रि के समय रात्रि के 1-2 बजे करीब के समय जो है उसको इन बच्चे को लेकर के जाते थे का वापस आए तो उस पर बच्चा नहीं मिला। उससे पूछताछ करने वाले ने सोचा कि तो थाना अधिकारी मौके पर पहुँचे, प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रकरण दर्ज कर धारा 317 आई थी जिसमें प्रकरण दर्ज कर बच्चा कहाँ से बरामद हुआ सर? हाँ, बच्चा की नवजात शिशु की तलाश की तो वहाँ मोजा पे के पास ही खड्डे नाली होती है, वहाँ जो है बच्चे की नवजात शिशु की बॉडी मिली जिसको दस्तियाब कर उसका पीएम करवाया गया। पीएम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के परिजनों को सपोर्ट किया गया और प्रकरण में अनुसंधान जारी। चाकसू पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 क्विंटल 33 किलो गांजा जब्त किया है। बता दें कि पुलिस को सड़क किनारे एक लावारिस ट्रक खड़ा मिला था जिसमें भारी मात्रा में गांजा मिला। फिलहाल पुलिस ने ट्रक जब्त कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। आज कार्रवाई की गई और किस प्रकार से की गई, क्या है? कल शाम को मैं गश्त में जा रहा था तो कोथून से लाल शॉट रोड की तरफ जहां तक थाना चाकसू का इलाका है
वहां तक गश्त के दौरान रास्ते में कोथून पुलिया से करीबन 1 किलोमीटर आगे चलते ही एक ट्रक रोड के ऊपर संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा। उसके अंदर जाकर के आसपास देखा तो कोई नहीं तो खलासी था, नहीं कोई ड्राइवर था और नहीं कोई अन्य कोई उससे संबंध व्यक्ति वहां मिला। कई देर इंतजार करने के बाद में फिर जब उस ट्रक को देखा तो बाहर से देखने पर उसमें कोई हरे पत्तेदार जो पेड़ थे लगाने वाले जैसे तो वो भरे हुए थे उसमें और अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। फिर ऊपर से ट्रक के ऊपर एक जवान को चढ़ाया तो उसमें पीछे की तरफ पत्तों के उस ट्रक के पेड़ों की आड़ में कुछ कट्टे भरे हुए सामान जिनमें भरा हुआ दिखा तो उसको संदिग्ध लगने पर उसकी तलाशी ली तो उसमें कुल देखा गया बाहर निकाल कर कट्टों को तो 35 कट्टे मिले, जिन 35 कट्टों में कुल 833 किलो गांजा पाया गया और ट्रक जब्त कर लिया है, गांजा जब्त कर लिया है और जो आरोपी हैं उनको तलाश की जा रही है। आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? आरोपीगण जो है कौन आरोपीगण थे, ये ट्रक कौन ले गया, कौन कहां से भर के लाए, इस संबंध में आगे आरोपीगणों की तलाश की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। खींवसर में नागड़ी के पास बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बोलेरो और इक्को गाड़ी के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रायगिरों ने घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पर खींवसर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की कालीबंगा ग्राम पंचायत के चक 23 एसटीजी में घग्गर नदी का तटबंध टूटने से किसानों की लगभग सैकड़ों बीघा भूमि जलमग्न हो गई और किसानों की सारी फसल चौपट हो गई। सूचना पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों के साथ मिलकर जेसीबी मशीनों और मिट्टी से भरे कट्टों की सहायता से तटबंध में आए कटाव को बांधने का प्रयास किया। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद तटबंध में आए कटाव को बांध दिया गया। सर, जो ये घग्गर का बांध टूटा है तो क्या कहना है आपका? ये बांध टूटा है, इसकी सूचना हमें मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए थे। प्रशासन की ओर से 2 जेसीबी उपलब्ध करवाई गई है और पूछने पर यह पाया गया है कि यहाँ पे मौकी है वो अभी तरोताजा तभी हुई थी, जिसकी वजह से लैंड का सेटलमेंट हुआ नहीं था, उस वजह से ये अचानक पानी निकल गया और कटाव ज़्यादा बड़ा हो गया है और डोले की जो है चौड़ाई कम होने की वजह से ट्रैक्टर वगैरह जा नहीं पा रहे, जिससे उसको बांधना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी भी प्रशासन लगा हुआ है और जल्द ही इसको स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। बाकी क्या स्थिति है सर? बाकी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जहाँ भी कमजोर बंदे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, संबंधित अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं, उनको सूचित कर दिया गया है। सर, ये पानी आने से पहले कोई देखरेख होती है क्या? पानी देखरेख होती है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भिजवा दी गई है। जैसे ये टूट गया तो पानी आने से पहले कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, कोई कमी तो रही होगी विभाग की? बाकी कोई कमी नहीं है, जैसे ये मौके दाबी गई है जी। तो जब हमने रिपोर्ट की तब तक यहाँ ऐसा कुछ स्थिति थी नहीं, उसके बाद अब जो काश्तकार है उन्होंने मौके दबाई जिसकी वजह से कटाव हो गया और ये पानी जल भरा हो गया। अभी पानी कितना प्रभावित हो रहा है? 3000 क्यूसेक पानी प्रभावित हो रहा है अभी। आपका शुभ नाम सर? मुकेश सुधार। खनन विभाग का काम होता है ये सारे अधिकारियों की मिली भक्ति से होता है। हमारे पास भी मिट्टी उठा रहे सूचना दी तो प्रशासन से फोन आता है तो ये जाब्ता उस टाइम हटा लेते हैं और 1 घंटे के बाद प्रशासन जाने के बाद जाब्ता आके और वापस मिट्टी उठाने लग जाता है। तो ये खनन विभाग के सब भ्रष्ट अधिकारी हैं, पूरा प्रशासन भ्रष्ट के कारण ये कटाव हुआ। आज 80 बीघों को लाखों का नुकसान हुआ, 80 बीघा पूरा जल भराव हो गया है। इसको टूटने का कारण क्या मानते हैं आप? टूटने का कारण इसको मिट्टी है, इसका पूरा छूटा नहीं हुआ, मिट्टी उठाने का पतला रह गया पड़ा। अच्छा, मिट्टी उठा ली गई इस कारण टूटा। हाँ, तो प्रशासन को वही 16 फुट का या 15 फुट का इसको रोक होनी चाहिए और खनन विभाग है इसको मंजूरी देता है तो इसकी मंजूरी देने के लिए इसको छोड़ के मंजूरी देनी चाहिए। बाकी जहाँ नाली क्षेत्र है उस क्षेत्र में मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, सारे अधिकारी भ्रष्ट है, मिली भक्ति से सारे पैसे लेके खाते हैं और प्रशासन आता है तब 1 घंटे के लिए जेसीबी और ट्राले साइड में हो जाते हैं और 1 घंटे के बाद ही दोबारा आके लग जाते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी पूर्ण करने के लिए अधिकारी आते हैं और सारा सिस्टम भ्रष्ट है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान जी मेरे आईडी से 25-30 लाख का नुकसान हो गया, बड़ा बड़ा। पूरी धान की लगभग 100 बीघों की खेती नष्ट हो गई है। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री से, कलेक्टर साहब से, नाली के बहाव क्षेत्र में मिट्टी की मंजूरी नहीं दी जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।